सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान, वेलकम टू FW रिएक्ट। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान पब्लिक फाइट, यानी कि जो ऑडियंस फाइट हुई थी स्टेडियम में उस वीडियो पर, यानी कि अफगानिस्तान को जो पब्लिक सपोर्ट करी थी तो उनका दिमाग इतना ज़्यादा घूम गया कि अफगानिस्तान कैसे हार गई ये मैच। सो उसके वजह से पाकिस्तान की जो पब्लिक थी वहाँ पर उनको मारने लगे, वो भी स्टेडियम की जो सीट होती है उसको उखाड़ उखाड़ कर। सो बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी। स्टार्ट करते वीडियो से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। स्टार्ट करते वीडियो नो। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हुई थी फाइटिंग दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में। मैच तो खत्म हुआ एक फाइट के साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ी आसिफ अली के साथ अफगानिस्तान के खिलाड़ी फरीद अहमद के हुआ फाइट और मैच खत्म हुआ। बहुत ही रोमांचक मैच था और मैच में जीता पाकिस्तान। और मैच के खत्म होने के बाद ये जो फाइट था, मैच की फाइट, प्लेयर्स में फाइट, वो फाइट तब्दील हो गया फैन फाइट में। अफगानिस्तान के फैंस गिर गए स्टेडियम में। जी हाँ दोस्तों, स्टेडियम में उछाला जा रहा था, चेयर तोड़ा जा रहा था। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का वो चेहरा देख के एकदम ही खराब लग रहा था। और बाहर स्टेडियम के बाहर जाकर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस आपस में भिर गए, जो कि क्रिकेट स्टेडियम में बहुत कम बार देखने को मिलता है। तो बेहद ही खराब है ये। 100% आग लगाना शुरू हुआ था और फरीद अहमद की फाइट के साथ। और बाद में जो अफगानिस्तान अपना जीता हुआ मैच हार गया, उससे अफगानिस्तानी। अच्छा, जो आसिफ अली वाली जो बात थी इसमें कि आसिफ अली यानी कि जो बॉलर था अफगानिस्तान का, वो आसिफ अली को जानबूझ के शायद उसके पास जाके वो कुछ कह रहा था और सेलिब्रेशन कर रहा था जानबूझ के चिढ़ाने के लिए। सो उसके वजह से आसिफ अली को गुस्सा आया और उसके दम मुंह पे आके वो बोल रहा था कुछ। सो उसके वजह से उसने बैट दिखा कहा कि अभी मैं मारूंगा इसी से। और भी लग चुके थे फैंस के बीच। ऐसा फाइट होना एकदम ही खराब है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें राइवलरी स्टेडियम पे या फिर बाहर उतना देखा नहीं जाता है, इतना फैन फाइट उतना देखा नहीं जाता है। लेकिन स्टेडियम में कल जो हुआ वो भी बेहद ही खराब था, बहुत शर्मनाक था। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर है। आईसीसी से अंपायर का पैनल जो है, मतलब रेफरी जो है, वो तो फाइन लगाएगा ही। लेकिन दोस्तों आपको क्या कहना है, ये जो फाइट हुआ स्टेडियम में ये ठीक था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इसका मेन कसूरवार कौन था, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपका थिंक मीटर कमेंट का। तो जैसा कि देखते हुए बॉलर जो था अफगानिस्तान का, उसने पहले बॉलिंग कराई, वो आउट हुआ आसिफ। आसिफ आउट होते वो जा रहा था अपने पवेलियन साइड, लेकिन जो बॉलर था ना वो उसको चिढ़ाने लगा, उसको उसके मुंह के पास जाके सेलिब्रेट करने लगा कि आउट है आउट है आउट है। तो उसके वजह से आसिफ अली को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई। जाहिर सी बात है भाई, किसी के मुँह के पास कोई भी घुसेगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगी। सो उसके वजह से आसिफ अली जो था वो गुस्सा के वो उसने कहा कि बैट्स मारूंगा। सो खैर, अभी कुछ लड़ाई वड़ाई हुई नहीं थी इसमें, अब तो दो दिन भी होगी इस बात की। तो कैसी लगी वीडियो आप सभी को बताना कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताना कि किसकी गलती थी, अफगानिस्तान की गलती थी या पाकिस्तान की इसमें। सो मिलते किसी अगली वीडियो में किसी और रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।